अगर मैं आपसे कहूं कि ये छछुंदर जैसे दिखने वाले प्राणी आपका लोकेशन बता सकता है इन गेम, तो आप क्या विश्वास करोगे? अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्री फायर के अंदर का मैप चेंज होकर ऐसे बर्फ बर्फ पड़ने वाला है, तो क्या आप भरोसा करोगे? अगर मैं आपसे बोलूं कि एक डायमंड पे, हाँ एक डायमंड पे आपको कस्टम कार्ड मिलने वाला है, तो आप क्या भरोसा करोगे? मुझे नहीं पता है। अपडेट में फ्री फायर ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, गन सेक्शन में, नए मोड पे, नए पेट्स पे, बहुत सारे। हाँ मैं बताने वाला हूँ एक एक करके, लेट्स गो। वैसे मुझे लगा कि घरीना ने इस अपडेट में बहुत ज्यादा रिसर्च के अपडेट्स को लाए हैं। वैसे तो इस पेट का नाम है एयरबॉर्न, बट इसका जो एबिलिटी है वो उसका नाम है डिनोक्लेरस। जैसे आपने बायनोकुलर का नाम सुना होगा, उससे क्या होता है, दूर की चीजें आप देख पाते हो, वैसे ही इस पेट का एबिलिटी ये है कि कोई भी जगह पे कितने एनिमी है वो ट्रेस कर सकते हो, और ये आपके टीममेट्स को भी पता लग सकता है। लेवल 1 पे ये आपको 3 सेकंड तक शेयर करेगा कि उस एरिया पे कितने बंदे, लेवल 2 पे ये आपको 4 सेकंड तक शेयर करेगा, और लेवल 3 जो कि इसका मैक्स लेवल होता है, इस पे ये आपको 6 सेकंड तक शेयर करेगा कि उस एरिया पे कितने बंदे हैं, और साथ ही आप इसके एबिलिटी को 2 बार यूज कर सकते हो इन गेम। और लुक वाइज भी ये पेट बहुत ही ज्यादा यूनिक है, एक डायनासोर और एक कैटरपिलर का मिक्स जैसा लगता है, ग्रीन और वाटर कलर का मिक्सचर है। वैसे मुझे तो बहुत ज्यादा प्यारा लगा, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। गेम ने कुछ हैरान कर देने वाले गन्स को भी इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि इस गन का नाम है ट्रोगन, और ये एक शॉटगन है। एक फायर में ये 3 बुलेट स्प्रे करता है। हाँ, जैसे कि शॉटगन में पूरे के पूरे सारे गोली खत्म होते हैं, इस पे ऐसा नहीं होगा। इस पे एक बारी में आप 3 गोली स्प्रे कर सकते हो। इसके ऑल टोटल एमओ जो है वो 12 है, मतलब कि आज तक के सारे शॉटगन से ज्यादा एमओ है। इस शॉटगन को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हो, एक है शॉटगन और एक है लॉन्चर। ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा शॉटगन, उस पे दबाने का होता है और वहां पे वो चेंज होके हो जाएगा ग्रेनेड। उसके बाद ये लॉन्चर जैसे यूज होगा, और देख सकते हो एक डैमेज ये 550 का भी दे सकता है, इसका मैक्स डैमेज जो है। और हाँ, इससे आप बहुत ज्यादा बंदों को एक ही शॉट पे फायर कर सकते हो। इसका एक छोटा सा डीमेरिट आप बोल सकते हो, जब आप गेम पे जाते हो तो इसका जो रेंज रहता है ये उतना ज्यादा दूर तक नहीं रहता, बट हाँ इसमें जो बुलेट्स रहते हैं वो 5 बुलेट्स रहता है, मतलब कि लॉन्चर के बुलेट से भी बहुत ज्यादा। और अगर ध्यान से देखो तो गेम ने 3 नए तरीके के क्रॉस एयर्स को भी इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे लॉन्चर का जो क्रॉस एयर है ये कुछ डिफरेंट है, गन का जो क्रॉस एयर ये डिफरेंट है, और नॉर्मल अगर आपके हाथ में कुछ भी गन नहीं रहता तो उसका भी एक डिफरेंट आता है। अगर आप देखो तो ये और ये आप पता चल चुका होगा। अरे नहीं भैया, खत्म नहीं हुआ है, रुको जरा देखो। गेम ने एक और नया चीज इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पे मैं उसको लॉन्चर फेंक रहा हूँ, पर देखो उसको इतना कम डैमेज हो रहा है, 3 लॉन्चर के गोली से वो बच गया। और वो जो चीज यूज कर रहा था उसका नाम है ये आर्मोरेला। आपको पता होगा अम्ब्रेला एक चीज होता है, तो ये आर्मर टाइप का काम करने वाला अम्ब्रेला है। इसको अगर आप कोई भी बंदा आप पे फायर कर रहा है और आप इसे यूज कर रहे हो, तो आपके ऊपर थोड़ा सा भी डैमेज नहीं होगा, सबके सब डैमेज ये अम्ब्रेला जो है ना, नहीं सॉरी आर्मोरेला जो है ना, ये सोख लेगा, और जब इसका पावर खत्म होगा वो थोड़ी देर बाद खुद ही रिचार्ज हो जाएगा। द बेस्ट थिंग इज ये कोई गन में से नहीं आता, ये जो मिली वेपन रहता है ना, मतलब कि पैन, लाठी वाटी, उनकी जगह पर रह जाता है इतने कम स्पेस पे। What? अरे रुको रुको, चौको मत, चौकने की बारी तो अब है। ये पता होगा कटाना है, बट कटाना का जो फायरिंग एनिमेशन है वो चेंज हो चुका है। भाई साहब देखो कितना भयंकर, पूरा तबाही लग रहा है भाई। और देखो गेम के अंदर में लेके जाता हूँ, ट्रेनिंग ग्राउंड में यहाँ 2 लोग लड़ रहे हैं, और खत्म भाई खत्म। और बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा, मुझे लगता है इनका पावर इंक्रीज कर दिया गया है। और मैंने एक चीज नोटिस करा, बट मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। यहाँ पे देखो मैं 2 वॉल लगाता हूँ, और हम लोग बस देखेंगे कि क्या ये वॉल उतने देर तक टिक पाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मुझे लगा हार्डली एक वॉल जो होता है वो 13 सेकंड तक ही टिक पाता है। अपडेट के बाद मुझे लगता है वॉल्स का जो ड्यूरेबिलिटी टाइम होता है वो घटा दिया जाएगा। और हाँ, गेम पे मुझे लगा ये बहुत बड़ा चेंज आया है। यहाँ पे देख सकते हो आप जब आते हो सीएस पे, तो एक नया फीचर आया है ट्रैम्पलिन करके, आप उसे खरीद सकते हो, और इसका यूज तो चलो मिलके करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और वॉल खरीद लेता हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकती है। मैंने ऊपर कुछ भी नहीं लिया, चलो एक गन उठा लेते हैं, यूएसपी उठा लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। रुको, अपन को और 1 सेकंड वेट करना होगा। और यहाँ पे बोला गया है ट्रैम्पलिन से ना आप एक छत के ऊपर या फिर वॉल को भी जंप कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर, ओए ऐसा चीज आएगा सच में? अरे भाई साहब ये तो बहुत ऊंचा जंप कराता है। अरे भाई भाई भाई, वो बंदा चढ़ गया क्या? नहीं चढ़ा, मैं चढ़ता हूँ। अरे अरे अरे, ये थोड़ा लंबा छत है, अगर थोड़ा छोटा छत होता तो काम बन जाता। चलो यहाँ पे ट्रैम्पलिन भी गायब हो गया, इसका मतलब इसका भी ड्यूरेबिलिटी टाइम ज्यादा नहीं है, 4-5 सेकंड तक ही है।
और देखो यहाँ पे बैट यूज करा और मुझे पता चल गया कि सामने चार तीन बंदे हैं। ठीक है भाई, तो सामने के साइड तीन। अरे भैया ये बंदा साइड पे कैसे आया? मुझे शायद से पेट के एबिलिटी को थोड़े अच्छे से समझना पड़ेगा। चलो यहाँ पर ये तो गया, अपन नए मोड पे चलते हैं। मैंने क्लैश कॉर्ड के बाद लगाया लोन वुल्फ, और लोन वुल्फ भी जब अंदर घुसा मैं सोचा भाई साहब कहाँ आ गया मैं इस बर्फीले पहाड़ के अंदर। और ऊपर आजू बाजू में चारों तरफ का बस देख के मैं नजारा इंजॉय कर रहा था भाई। सच में बता रहा हूँ, आज तक ना फ्री फायर में इतना ज्यादा प्यारा मैप कभी नहीं आया। मैं बस देख रहा था भाई, आगे पीछे देखो, और ऊपर अगर आप देखोगे ना तो वो भाई क्या 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 जगह है भाई। और सामने बंदा भी आ चुका है, मैं बता रहा हूँ ना ये मैच खेलने में भी बहुत ज़्यादा मुझे मजा आया। वैसे बंदे को मार दिया भाई, प्रो मैं बहुत प्रो भाई, बहुत प्रो। देखो 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 अरे मर गया मैं, ऐसे नहीं हो सकता, मैं मैच जीता हूँ भाई, ये राउंड हारा बट मैच में जीता हूँ। बट ये मोड खेलने के बाद ना मुझे पुराने फ्री फायर के दिन याद आ रहे हैं, जब पूरा का पूरा बर्म्यूडा मैप जो होता है ना वो बर्फ से भरा हुआ होता है। भाई सच में बता रहा हूँ वो दिन कुछ अलग था। क्या आपने उस टाइम गेम खेला था? मुझे नीचे कमेंट में जरूर से बताना। और आपको एक बताने वाला हूँ बहुत बड़ी बात, क्लैश कॉर्ड जो लोग खेलते हैं उनके लिए एक नया सीजन आ रहा है। सीजन मतलब क्लैश कॉर्ड कप आने वाला है, जिसमें आप बहुत ही बड़े बड़े लेवल पे जाके फ्री फायर का नाम मतलब इंडिया का नाम फ्री फायर पे रोशन कर सकते हो। और हाँ, फ्री फायर का जो नया लोगो है वो भी एक बर्फ के थीम के आने वाला है, यहाँ पे देखो। और इसके बाद मैं कुछ नए मोड्स खेला, यहाँ पे ये जो होता है ना बम वाला मोड, इस पे भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ था, वैसे ही बिल्कुल सेम था। जो लोग बम लगाए हुए होते हैं आपको डिफ्यूज करना होता है, और अगर आप बम लगा रहे हो तो आपको डिफ्यूजर से बम को बचाना होता है। इसके बाद गेम के कुछ कैरेक्टर भी ध्यान देने वाले हैं, हम ध्यान देने वाले हैं ओलिविया और फोर्ड कैरेक्टर के ऊपर। इन दोनों का जो एबिलिटी है उसमें थोड़ा सा लाभ लिया गया है। ओलिविया का जो कैरेक्टर है उस पर ज्यादा हीलिंग टच, मतलब कि आपके फ्रेंड्स लोगों को ज्यादा एचपी मिलेगा और जल्दी हील होंगे। और जो फोर्ड है उसका भी कुछ थोड़ा सा चेंजेस आने वाला है, और ओलिविया का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है। और अपडेट में अभी तक नहीं दिखाया ओलिविया का फेस कैसा होने वाला है, बट सून गेम पे आपको पता चल जाएगा। और जब मैप पे अगर आप देखो तो मैप का जो इंटरफेस है वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। अगर आप देखो ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल मैप कैसा है, और ये वाला जो मैप है इसमें जो प्लेन जाता है इसका लोकेशन वगैरह बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो चुके हैं, जिसमें गेम खेलने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको क्या लगता है नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और पर्सनली मुझे लोन वुल्फ का नया मैप और ये कटाना का एनिमेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पसंद आए हैं। फिलहाल आपको कौन से बेस्ट लगे नीचे कमेंट पे वो चीज़ प्लीज़ ज़रूर से बताना। और भी बहुत सारी चीज़ें थे जो कि मुझे पता है ये चेंजेस नहीं आने वाले हैं, उनको मैंने ओमिट कर दिया आप लोगों के टाइम बचाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक मारो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब मारो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करो ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। और क्या खाना पीना हो गया, और रात को जल्दी से सो जाना। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।